शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिस खुशखबरी के लिए तुम इतने दिन वेट कर रहे थे, आज मैं तुम्हें वो सुनाऊंगी। लो, मिठाई खाओ। It's all right. You can keep it. Please. I'm pregnant. Congratulations, Mr. Victor Banerjee. You're about to be a proud grandfather. दादा बनने वाले हो? सच में दादा? Or maybe a proud father? I'm really not sure. ठीक समझ नहीं पा रही हूँ। Actually, ऐसा ही एक के बाद एक। एक बार तुम, एक बार रोहित, एक बार रोहित, एक बार तुम। I think we need to do a DNA test. DNA test करते ही सबको पता लग जाएगा मेरी बेबी का पापा कौन है, तुम या तुम्हारा बेटा। The development science has made. लेकिन किसी को ये न्यूज डिटेल्स में बताना ही पड़ेगा। ईशानी, क्या पुलाऊं से माँ या दीदी या सासू माँ या फिर मिसेस बैनर्जी, बताना तो पड़ेगा ही। What a great news! What do you want? What do I want? It depends, Mr. Banerjee. What's for sale here? My body, my silence, or my testimony? ये जानना जरूरी है कि how many zeros does your bank balance have? Fill it up and fuck off. I'm not in the mood today. Reena? Tum yahan? Hi, baby. I have some exciting news for us. What news? I'm pregnant. What? Really? Oh, baby, I'm so happy. So, was she pregnant? See, Rohit, you have to tell us the truth. Otherwise, even you will end up as a suspect. No. What? Just now you said that Reena herself told you this. And even Leo said that she had told him the same. Yeah, but later on when I asked her to go for a checkup. Why, Reena? Pregnancy ke baare mein tumne jhoot bola kyun? Answer me! I'm sorry. Sorry? No, Reena. तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। क्यों तुमने झूठ बोला? तुम्हारे लिए। मतलब? तुम्हें पाने के लिए। I knew your dad would never accept our relationship. That's why I lied. मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर बैनर्जी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहती थी। आई कांट लूज यू, ट्रस्ट मी प्लीज। मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। इट्स ओनली फॉर यू। आई लव यू। आई लव यू टू। व्हाई डू यू थिंक शी वाज मर्डर्ड? आई डोंट नो. When she went missing, I asked Ishani about her whereabouts. She told me that Reena had broken off with me. Later, I received an SMS from Reena confirming the same. Did you believe that? No. Then I came and told my dad that I couldn't trace Reena. He said the same thing as Ishani, that Reena had broken off with me. What did you do next?
I went to the police station. But they wouldn't even take my complaint. And then? Then I tried to find her on Facebook and on other social networking sites. I even had my friends visit the universities in San Francisco. But they couldn't find her. And then, one day, while going through her stuff, I found her passport. Was it sometime in 2013 February? Yes, but how did you all know that? Because round about that time, a huge amount was put into your account from an offshore account. He's too powerful. You can do nothing to him. जब मैंने ईशा ने को पूछा कि उसने रीना का खून किया कि नहीं, उसने मुझे एक पुणे के मेंटल असाइलम में लेके गई और मुझे धमकी भी दी कि she'll lock me out there forever. उसने एक सुपारी किलर को पैसा भी दिया था मुझे मारने के लिए. उसके बाद मैं छुप गया. ईशानी ने मुझे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर वो मुझे ढूंढ नहीं पाई. अरे पोचा, तू एड़ा है क्या? अपने ही खोली में कोई घोड़ा रखता है. सर, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ऑर्डर था इसलिए. किसने ऑर्डर दिया रे? क्या बोला उस रिपोर्टर को? सर, माँ काली की कसम सर, मैंने कुछ नहीं बोला. एक कहानी सुनेगा? चल सुनाता हूँ. सर, एक बार फोन पे बात कर लीजिए ना सर. एक टापू में एक बंगाली मेंढक मामा और एक बिच्छू रहता था. ग्लोबल वार्मिंग में पानी बढ़ने लगी, बिच्छू देखा खतरा. उसने मेंढक मामा को बोला, तुझे तैरना आता है, मुझे पास वाली टापू में ले चल. मेंढक ने बोला, तुझे कंधे पे लेगा और तू ही मुझे डांक मारेगा. तो बिच्छू ने बोला, मैं तुझे डंक मारूंगा तो हम दोनों ही डूब जाएंगे. गीता की कसम मैं तुझे डंक नहीं मारूंगा. सर सर प्लीज सर, मैं तो सर मैं क्या करूं, इंस्ट्रक्शन था. चल माल निकल पहले. मैं जो कह रहा था, पानी बढ़ा, सब साला टापू छोड़ दिया. मेंढक पीठ में बिच्छू को लेके पानी में छलांग मार दिया. तैरते तैरते दूर देखा एक टापू. मेंढक मामा अचानक कंधे पे महसूस किया, बिच्छू ने उसको डांक मार दिया. मेंढक ने बोला, ये क्या किया, अब तो दोनों ही डूब जाएंगे. बिच्छू ने बोला, किसी की फितरत कभी नहीं बदलती, मेरी जो आदत है मैंने वही किया. अब इसमें दोनों ही मारे जाएंगे तो क्या, अब अगर मैं मेंढक हूं तो तू कौन है? सर, बिच्छू.
सर मैं मुंह नहीं खोलूंगा सर। मुझे मालूम है पोचा, तू मुंह नहीं खोलेगा। मेंढक मावा नहीं है, बिच्छू है।